दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि स्कॉलरशिप जो है आना फिर से स्टार्ट हो गई है आज से। तो आज है 28 जनवरी, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको आपकी स्कॉलरशिप देखनी है और सब कुछ डिटेल्स आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप बने रहेगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम सब कुछ प्रूफ आपको दिखाएंगे और आपको क्या करना है ये भी बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को, सारी चीजें आपको इन वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि उससे पहले यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट को आप डेली देखा कीजिए, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी, या तो आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब फाइंड के नाम से। गूगल में सर्च कीजिए SARKARIJOBFIND, सरकारी जॉब फाइंड एक ही में लिखिएगा। जैसे सरकारी जॉब फाइंड आप एक ही में लिखेंगे तो वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी। तो सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम के नाम से, तो आप इसे जो है इसको ओपन कर लीजिए, इसे डेली देखते रहिए। यहाँ पे डेली की डेली वैकेंसीज आती हैं, यहाँ पे लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में जो यहाँ पे है कोई भी ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद एडमिट कार्ड, यहाँ पे सारी चीजें आपको इस जो है वेबसाइट पे देखने को मिलती है। तो वेबसाइट को डेली देखा कीजिए। अब दोस्तों क्या करना है आपको स्कॉलरशिप का, मैं बता रहा हूँ। देखिए स्कॉलरशिप को आपको देखने के लिए कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस वाला चेक करना है, या तो आपको बैंक अकाउंट वाला चेक करना है। स्टेटस में यदि आपको रिकमेंडेड दिखा रहा है तो आप जो है बैंक अकाउंट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूं, तो आप जो है बैंक अकाउंट में आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। और दोस्तों यहां पे मैं कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो है आप आज जो है स्कॉलरशिप आने स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे स्कॉलरशिप स्टेटस बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, तो इस सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप स्टेटस बाय बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो है यहाँ पे जो है चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट जो न्यू करके लिखा हुआ उसके सामने जो क्लिक ये लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है PFMS की वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट बहुत ही स्लो चल रही है, कभी कभी ओपन हो रही है, कभी कभी नहीं ओपन हो रही है, तो आप घबराइएगा मत, जब भी ओपन हो आप खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ओपन होगी उसके बाद यहाँ पे नो योर पेमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे नो ये पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप देखिएगा ये वेबसाइट बहुत ही स्लो चल रही है, बहुत सी सारी प्रॉब्लम आ रही है यूजर को, क्योंकि अभी बहुत सारे यूजर इस पे एक्टिव हो गए हैं, तो इस वजह से बहुत ही स्लो चल रही है। तो यहाँ पे इसको मैं देखता हूँ कि जब ओपन हो रही है उसके उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए एक मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, तो यहाँ पे इनकी स्कॉलरशिप आज आई है, यूको बैंक इनका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम नेम जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फी रिमेंबरेंस स्कीम लिखा है फॉर ओबीसी। तो यहाँ पे आपको जो है 2700 अमाउंट आया है, और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आया है जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फी रिमेंबरेंस स्कीम फॉर ओबीसी जिसमें 10,590 रुपए है, तो टोटल जो है 13,290 रुपए यहाँ पे आया हुआ है। और इनकी जो है बैंक ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे अभी जो है प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो अभी डेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो ये इस तरह का है। और एक और प्रूफ देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे ये पिछले साल के दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ की जो इस साल की जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे 30,000 रुपए और 6,360 रुपए, और यहाँ पे देखिए अंडर प्रोसेसिंग बैंक लिखा हुआ है, और अंडर प्रोसेसिंग बैंक लिखा हुआ है, और ये 28/1/2019 की डेट यहाँ पे डली है, 13/42 जो की लिख रहा है जो यहाँ पे निकाला गया है, तो अंडर प्रोसेसिंग बैंक है तो भी डेट नहीं दिया होगा, जब ये सक्सेस हो जाता है तब डेट देता है। तो यहाँ पे देखिए ये स्कॉलरशिप इनकी जो है दिखा रहा है अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो 41,130 रुपए इनका दिखा रहा है, तो अभी बैंक में नहीं आया होगा क्योंकि अंडर प्रोसेसिंग है, जब बैंक में आ जाएगा तो यहाँ से सक्सेस दिखा देगा। तो दोस्तों ऐसे करके स्कॉलरशिप कुछ कुछ लोगों की आ रही है, कुछ कुछ लोगों की, और यहाँ पे देखिए ये इनकी वेबसाइट बहुत ही घटिया चल रही है, जो जो ये इन्होंने दिया है यहाँ पे, इसके सामने जब क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे नो योर पेमेंट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इनकी बहुत ही स्लो चल रही है, इस वजह से नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट अभी चल नहीं रही है, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे क्या करिए, आपको अपना अकाउंट नंबर, यदि आपको अपना अकाउंट नंबर और अपना बैंक नाम जिस भी बैंक से आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, और आपका अपना अकाउंट नंबर जो आपका अकाउंट नंबर है, दोनों का यदि आप कमेंट में कमेंट कर देंगे तो मैं आपको देख के आपको प्रूफ के साथ बता सकूंगा कि कितने लोगों की आई है, कितने लोगों की नहीं आई है। यदि आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मैं देख के आपको एक नया वीडियो बना के जितने लोग कमेंट किए रहेंगे मैं सबको उस वीडियो में बता दूंगा। तो आप ये भी देख सकते हैं, अभी इनकी साइट बहुत ही स्लो चल रही है जो PFMS वाली है, तो इस वजह से नहीं खुल पा रहा है। तो आप यहाँ पे आके खुद देखते रहिए, हर जो है 15-20 मिनट के बाद देखते रहिए, और नोवे पेमेंट्स पे क्लिक करके देखते रहिए, जब ओपन हो जाएगी तो आप जो है अपना खुद चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक पोल भी किया था जो कम्युनिटी में, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना राय भी दिया है, तो यहाँ पे देखिए 364 वोट्स में जो है 9% लोगों ने कहा स्कॉलरशिप आ गई है, 24% कहा स्कॉलरशिप नहीं आई है,
स्टेटस चेक करने पर रिकमेंडेड दिखा रहा है तो 9% लोग बता रहे हैं, और आपका स्टेटस चेक करने पर रिजल्ट दिखा रहा है तो 4% लोग बता रहे हैं, फिर बैंक अकाउंट में नो डाटा फाउंड दिखा रहा है तो ये 55% लोग ये बता रहे हैं। तो ये जो है नो डाटा फाउंड वाली समस्या काफी आ रही है, लेकिन आज जो है फिर से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गई है, तो आप जो है इस प्रोसेस के माध्यम से अपनी स्कॉलरशिप देख सकते हैं और नो योर पेमेंट्स पे जाकर अपना चेक कर सकते हैं। हालांकि इनकी वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही, लेकिन आप जो है हर 10-15 मिनट पे देखते रहिए। मैं लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली आइएगा, उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट के सामने क्लिक करिएगा, उसके बाद ये ओपन होगी, उसको ओपन होने के बाद आप जो है अपना आगे देख सकते हैं। और ये सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम वेबसाइट पे भी आके आप देख सकते हैं, गूगल में सर्च कीजिए सरकारी जॉब फाइंड, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ वहाँ पे आइए, उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, पेज ओपन होने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा कुछ ये सेम जो है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट के सामने क्लिक ही रहे तो वहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक हो जाएगा तो ये पेज ओपन होगा जो कि अभी अभी नहीं ओपन हो रहा है, अभी इनकी साइट नहीं चल रही है। उसके बाद नो योर पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे अलग चीज आ जाएगी, जिसमें आपको बैंक अकाउंट नाम अपना खाता संख्या 2 बार डाल के और सबमिट करना होगा, फिर आपको दिखा देगा कि कितनी स्कॉलरशिप आई है और पेंडिंग है या सक्सेस है, कितनी आ रही है, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा, जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाया हूँ ये जैसा इनका दिखाया है। तो इस तरह से आप खुद भी अपना चेक कर सकते हैं, या तो आप अपना कमेंट में अपना अकाउंट नंबर और ये सब मैं जो है डाल दीजिए, मैं आपको खुद जो है चेक करके बता दूंगा जब इनकी साइट चलने लगेगी, लेकिन आप खुद जो है देखते रहिए हर जो है समय, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होती। स्कॉलरशिप सबकी आएगी, जिसका रिकमेंडेड दिखा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सबकी स्कॉलरशिप आनी है। और आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2018-19 में पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि आपका जो है रिकमेंडेड दिखा रहा है कि नहीं, यदि रिकमेंडेड दिखा रहा है तभी आपके जो है बैंक अकाउंट वाला चेक करिए, और रिकमेंडेड दिखा रहा है तो आपकी बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप आएगी। तो यहाँ से आप जो है रिकमेंडेड वाला भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए इसमें जो भी आपका है, आपका रेनुअल है, फ्रेश है, जो भी यहाँ पे उसको सामने क्लिक करके जो क्लिक कर लिया है उसके सामने क्लिक करके अपना जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब चीजें डाल के और जो है अपना जो है खुद चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्कॉलरशिप चेक करिए और कमेंट में मुझे बताइए, और मैं एक पोल भी दे दूंगा आज ऊपर, तो उसमें आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कितनी लोगों की स्कॉलरशिप आई है आज और कितनी लोगों की नहीं आई है, तो आज मैं बताऊंगा, आज का पोल मैं रखूंगा, आज की डेट में आपको देना है। तो ऐसे ऐसे आप करिए, और नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में बताइए और मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, तो आप जो है स्कॉलरशिप लेके आना स्टार्ट हो गई है ये आप जान लीजिए। और इस तरह से आप जो है PFMS पे भी देख सकते हैं, हालांकि इनकी साइट अभी नहीं चल रही है, तो आप जो है देखते रहिए, जब भी साइट चलेगी यहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरी मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वेबसाइट को देखते रहिए sarkarijobfind.com को, क्योंकि यहाँ पे डेली की डेली वैकेंसी, एडमिट का रिजल्ट, सारी चीजें यहाँ पे अपडेट होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो साथ मिलते हैं, नमस्कार।